कि लड़कियां जब छोड़ने आती हैं, जब छोड़ के जाती हैं, बड़ा दिल दुखता है। मैं तो बड़ा दिल दुखता है, छोड़ के चली जाती है। बहरहाल आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है, इसलिए मैं करता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास लफ्ज नहीं है। जिस दिन मेरे पास लफ्ज आ जाएंगे मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँगा। लेकिन आपकी मेहरबानियाँ हैं, आपका प्यार है कि आपने इस प्रोग्राम को पसंद फरमाया और इस काबिल समझते हैं कि वक्त निकाल के इसको देखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसी शख्सियात से मिलाएं और उनके इंटरव्यूज इस तरह से करें कि उन्हें कभी आपने पहले कभी इस तरह से देखा ना हो, एक अंदाज नया हो, थोड़ी सी गुफ्तगू नई हो। और म्यूज़िक को आज हम ज़्यादा बेस करेंगे म्यूज़िक पर, और वो भी इस बात के ऊपर कि म्यूज़िक में ज़रूरी है कि तब्दीलियाँ आएँ। पूरी दुनिया इंटरनेशनली चेंज आया है म्यूज़िक, और बड़ा 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 अच्छा अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर आया है, लेकिन अपनी चीज़ें तो उठा के नहीं फेंकी जाती, अपनी चीज़ों को सीने से लगा के रखा जाता है। जो कल्चर होती है हमारा, जो हमारी सकाफत है, जो हमारा म्यूज़िक है, वो कहाँ है? वो तो कहीं हमसे डैमेज नहीं हो रहा, कहीं हमसे गुम तो नहीं हो रहा, जुदा तो नहीं हो रहा। ऐसे में हमें ज़रूर ऐसा काम करना है, हमें अपनी मौसीकी को, अपने विरसे को बचाना है और उसको इस्टेब्लिश भी करना है। आप लोग सब कुछ सुने लेकिन अपने लोगों को भी सुने, आखिर हम सुनते ही अपने लोगों को, हम क्यों नहीं सुने? अब आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो सुने। और फिर अभी आप थोड़ी देर बाद खरी खरी सुनेंगे और आपकी तबीयत हरी हरी हो जाएगी। क्यों? कि आप भी चाहते हैं कि चटखारेदार बातें हों, कुछ सवाल जवाब हों। जो लोग सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आजकल ये फैशन है, ये हवा है, तो हम क्यों ना इल्ज़ाम के जवाब मांगें। लेकिन उसमें फ़नकार भी आते हैं, सियासतदान भी आते हैं, उसमें अदाकार भी आते हैं, बिजनेसमैन सब आते हैं उसके अंदर। राज हमारा जो प्रोग्राम है वो फनकारों पर और उन फनकारों पर बेस है जिन्होंने रिवायात को तोड़ा नहीं, जिस जगह से उन्होंने स्टार्ट लिया उन्होंने उस फोक को, उस कल्चर को अपना के रखा और उनकी पहचान बन गया और उनसे जुड़ गया वो नाता उनका। वो नाता कितना मजबूत है, कितना पायदार है, कितने अरसे से चल रहा है और चलेगा, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, घर में बिजली है ना पानी लेकिन दिल है पाकिस्तानी, है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी। दिल को पाकिस्तानी होना चाहिए, गाना कोई से भी गाएं, कपड़े कोई से भी पहने आप, लेकिन दिल पाकिस्तानी होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, भरा हुआ है हमारा मुल्क। और हमारे सकाफती फनकार जिन्होंने हमारे रूह को, जो हमारी रूह है म्यूज़िक के, उसको इतना ज़िंदा रखा और इतना इस्टेब्लिश किया, इतना एक्सप्लॉइट किया पूरी दुनिया में कि वो म्यूज़िक के साथ साथ खुद भी वर्ल्ड फेम हो गए। सकाफत उनके नाम से जुड़ गई, एक ऐसा ही नाम जिसे मैंने पिजारो, मस्टीज, प्राडो, मजदा, वैगन, ट्रक, ट्रॉले, बैलगाड़ियाँ, उन तक में मैंने उनके गाने सुने। कितनी आवाम है और किस किस्म की सारी ही ऑडियंस आ गई इसमें। ऐसा फनकार होना बहुत मुश्किल होता है कि जिसे सब यकसां पसंद करें, सारी क्लासेस में उनकी एक ही लाइकिंग है, एक ही किस्म की, और वही एहतराम अल्लाह ने उन्हें दिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, मैं चाहता हूं कि उनके सामने आमने बात हो और तब बहुत अच्छा आपको भी लगेगा और मुझे भी। तो हम आपकी पुरजोर तालियों में जहमत दे रहे हैं, तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान की पहचान वो आवाज़, जनाब मोहतरम अताउल्लाह ईसा खेलवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अता भाई, मैं दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ शरीफ शो में,
क्योंकि आप एक शरीफ इंसान हैं, इसलिए हमने आपको इस शो में बुलाया है। अदा भाई, जो आपकी शोहरत है और जो अल्लाह ने आपको मकाम दे दिया है, ये खुदा ताला के चुने हुए बंदों को मिलता है। बेशक वो आवाज़, वो अंदाज उसने आपको अता किया। बेशक और अताउल्लाह नाम होने का मकसद ये है कि अल्लाह का अता किया हो। अताउल्लाह ईसा खेलवी, ईसा खेलवी जगह एक इलाके का नाम है ना? खेल ईसा खेल, जहाँ आप पैदा भी हुई हूँ, जिला मियांवाली में जी, पंजाब की आखिरी तहसील है जहाँ मैं पैदा हुआ। आपको शोहरत की बुलंदियों के ऊपर लेकर के चला गया एक गाना, जिसमें आपका पहला गीत था वो? नहीं, उमर पहला तो नॉन प्रोफेशनल तो मैं बहुत पहले आ चुका था। नहीं, मुझे पता, ये तो आ गया था जी, हिट जो गीत हुआ। हिट जो गीत हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, दिल लगाया था, दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी जिंदगी के लिए। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उनकी जिंदगी दुल्हन बनेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। ये जो आपने माहौल बनाया है जनाजे का, बारात का, इसमें दुख ही दुख है। मैं जब आपको पहली दफा सुना तो मैंने कहा, यार ये कोई बहुत दुखी आदमी है, मैं इसे मिलूंगा, इसके प्रॉब्लम पूछूंगा, क्या है भाई मुझे बताओ, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो ये क्या वाकई में आपने इतना दुख देखा है जो आपकी आवाज में भी आ गया और आपके कलाम भी, आपने ऐसा इंतखाब किया कलाम का? उमर, ऐसा होता है कि तुम खुद आर्टिस्ट हो, बेसिकली तो जो टैलेंट है वो अल्लाह की तरफ से, बेशक उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। बुनियादी तौर पे तो अल्लाह जल्ल शानहू का जो दिया हुआ वो तोहफा है, मेरा जो साउंड बॉक्स है, लेकिन उसके बाद हालात ने मुझे पॉलिश किया। मैं जिस इलाके में पैदा हुआ वहाँ महरूमियाँ महरूम। अभी आप पीछे कोई इश्क है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो गाने के अंदर जो झलक है वो फिर सच्ची है? मोहब्बत तो सारे करते हैं, आपने भी की होगी। नहीं, मेरे पे मुझे ना घसीटो इस काम में। क्यों? हमने आपको बुलाया आपसे पूछने के लिए, आप उल्टा मेरे पे। नहीं, मोहब्बत तो सारे ही करते हैं। नहीं, सारे क्या करते हैं? अब मुख्तलिफ लोगों पे उसका तासुर जो है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन आपकी बजाय शोहरत में ये कहानी थी कि एक किसी ने इनको छोड़ दिया है इसलिए ये दुखी हो गए। ये एक अलमिया है कि मुझे गाने की वजह से तो वो नहीं मिली। गाने की वजह से आपका ये मसला हुआ? अरे यार, देखो ना, आपने तो बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की है गाने के लिए, यानी कि मोहब्बत की कुर्बानी, यानी पहली कुर्बानी क्या हुई गाने की, कि आपने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। बस यूँ समझ ले। मैं समझ गया हूँ। तो पहला गाना वही था, दिल लगाया था, दिल लगी। नहीं, पहले गाने तो बहुत से, बेसिकली मैं सरायकी हूँ, मेरी माँ सरायकी है, सरायकी जुबान में मैंने बहुत गाया, लेकिन नॉन प्रोफेशनल। उस वक्त तो रेडियो टेलीविज़न का एक मैार होता था। सही, रेडियो पे जाने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़े थे, फिर आपको अलिफ बेबी आनी चाहिए, म्यूजिक का कुछ हो नहीं, और आप तो शौकीन थे। मुझे तो गाना वाना अब भी नहीं आता, खैर बहरहाल। उस वक्त उमर भाई टेलीविज़न पे, रेडियो पे एक मियार था, बाकायदा एक असातिज़ा की टीम बैठती थी, बाकायदा ऑडिशन होता था कि इस बच्चे में को गाने का सूझबूझ है, है कि नहीं। तो मुझे तो आती नहीं, तो उन्होंने कहा जाओ गाना सीख के आओ। अब मैं कहाँ से सीखता, मैं तो कबायली पठान हूँ, वहाँ तो आज के 40 साल पहले गाना तो क्या सुनना भी जुर्म समझा जाता है, जैसे कि आज की सूरत हाल आपके सामने है। रेडियो के बाद, टेलीविज़न के बाद, फिर मैं लुक छुप के जंगलों में, देहातों जंगलों में, हाँ जिस इलाके में मैं रहता हूँ उधर उन जंगलों में चले जाते थे। जाहिर है शहर में तो नहीं गा सकते थे, खबर बहुत अबू तक पहुँचती थी, वो अबू शाम को जो हाल करते थे वो किसी जानवर से भी बदतर मेरा हाल। तो इसलिए मैं किसी कोई ऐसा कोना खुदरा ढूंढता जहाँ कोई मेरी आवाज़ ना सुने, बस मैं ही सुनूँ, मैं ही सुनूँ, या एक दो दोस्त थे तुम जैसे। अच्छा, उनको तो आप पकड़ के लेके जाते होंगे जंगल में? पकड़ के लेके जाते यार, चलो जरा आओ, मुझे सुनो, मुझे दाद दो उनकी। हाँ, उनकी वो सुनने के बाद और दाद देने के बाद मैं जहाँ तक, एक फनकार अंदर का मुतमईन हो जाता होगा कि यार मेरी ऑडियंस है। तो उसके बाद फिर जापान का इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने टेप रिकॉर्डर को इतना आम किया, टेप रिकॉर्डर इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आम हो गया कि हर बंदे के पास था। ऑडियो कैसेट आ गई, और फिर ऑडियो कैसेट उसके हवाले, उसके हवाले से मैं। अब तक आप कितने ऑडियो एल्बम कर चुके हैं? कोई 450 के लगभग। 450, अल्लाह हू अकबर। ज्यादातर गाने आपने उर्दू में ही गाए या पंजाबी में गाए? सराइकी में भी आपने कुछ? सराइकी में मैंने बहुत गाया, बहुत गाने गाए। ख्वाजा फरीद को मैंने बहुत गाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुर्शिद है। हाँ, अरफाना कलाम बहुत गाया मैंने,
आपने कमर जलालवी साहब की गजलें भी गाई हैं। कमर जलालवी साहब को गाए, अहमद फराज को गाए, बाकी ऐसे शायर। जब मैंने ये गाना शुरू किया जी जी, तो मेरे इलाके में जो शायर थे, बड़े साहिब इल्म थे, बड़े बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन उनको उनका कोई कोई पुरसाने हाल नहीं था। पुरसाने हाल नहीं था, उन्हें कोई मीडिया ने कवरेज नहीं दी, या जिस इलाके में मैं होता हूँ अखबार भी 3 दिन के बाद पहुँचती थी, तो वो उनको प्रमोशन नहीं मिली। तो उनका कलाम पहले मैंने गाया। आपने उनका उनका कौन सा कलाम था? उनका बहुत सारा कलाम है, सरायकी में मैंने गाया। अच्छा। और एक हमारे बहुत अच्छे शायर उर्दू के, फारूक रोखड़ी सर, उनका कलाम आपने दादा गया? उनका कलाम मैंने गाया। अहमद फराज को भी गाया आपने? अहमद फराज, ये अहमद फराज ने लिखा है कमीज तेरी काली? उन्होंने कोशिश की लिखी। नहीं, किसने लिखा ये? अमीर हुसैन, उस्ताद अमीर हुसैन। उस्ताद अमीर हुसैन ने कमीज तेरी काली, सोने फुला, सोने फुला वाली। अच्छा, 5-6 जबानों में तो आपको मैंने सुना है गाते हुए। जी जी। इससे ज्यादा जबानों में भी गाया है? नहीं, इससे ज्यादा आती नहीं। 5-6 जबानें गाई हैं आपने, और इसमें माशाल्लाह आप उसमें भी आपकी बड़ी पसीराई मिली। आप पाकिस्तान की सारी जुबानों में गाया है। गाया माशाल्लाह। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको कौन से सन में मिल गया था? तमगा हुस्ने कारकर्दगी हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब को अता फरमाया। और आपने फिल्मों में कैरेक्टर भी किए, हीरो भी आया आप फिल्म में। वो उम्र वो बताया ना बात क्या है, और हीरो आप थे और हीरोइन कौन थी, और शूटिंगें कहाँ कहाँ हुई, ये तो क्या मुझे हुआ? याद नहीं कि उस फिल्म की, 3 फिल्में मैंने की हैं, मुझे याद नहीं उनकी। एक तो दिल लगी थी, एक जिंदगी थी, और एक सांवल। एक थी सांवल, पहली एक फिल्म थी ठग बदमाश। ठग बदमाश जहूर हुसैन गिलानी साहब के साथ? आप जहूर हुसैन गिलानी साहब की वो फिल्म थी, और उन्होंने अल्लाह बरी के रहमत करे सुल्तान राही साहब, सुल्तान राही साहब, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि इनकी फिल्म के लिए तुमने गाना गाना है। उन दिनों में ये गाना बहुत हिट हुआ था, कमीज तेरी काली सोने फूला वाली। तो मैंने कहा मैं तो प्लेबैक सिंगर हूँ ही नहीं, मैं तो आधे आधे घंटे का गाना गाता हूँ, वो फिल्म में कहाँ चला है। सही बात है। तो उन्होंने कहा नहीं आपने गाना है, तो उन्होंने फिर इसको मुख्तसर करके कमीज तेरी काली सोने, हाँ, उसको 4 अंतरे हैं उसके, हाँ 4 अंतरे करके उसको फिल्म ठग बदमाश में डाला। उसको डाला जहूर हुसैन गिलानी ने ये काम बहुत किया, जो गाना हिट हुआ उसे ठग करके ले लेता फिल्म में। तो फिर जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ये मैं पिक्चराइज भी तुम पे करूँगा, उसमें ऐसी सिचुएशन बनाऊँगा फिल्म में। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी जान छुड़ा लूँ, लेकिन लेकिन जहूर हुसैन गिलानी से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल था। उनकी मोहब्बत मुझे उन्होंने, वो तो ऐसी मोहब्बत करता अखबार वाले से पहले आके घर के सामने बैठ जाता, दूध वाले से पहले आ जाता। तो फिर मुझे करना पड़ा, करना पड़ गया आपको। तो उसमें आपने एक हीरो का रोल किया, उसके बाद आपने और फिल्म में राही साहब के साथ, मेरे ख्याल आरिफ लोहार के साथ भी था। हाँ, वो तीनों फिल्मों में मैं, सुल्तान राही और आरिफ लोहार। आरिफ लोहार, ये मेरी खुशकिस्मती के सुल्तान राही साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सुल्तान राही बहुत अच्छे फनकार थे। क्या बात, और मादाम उनका स्टाइल ही अलग था। क्या बात, और मादाम नूर जहान के साथ मुझे गाने का मौका मिला। क्या बात है, क्या बात है। जी, फिल्म सांवल। आपने मैडम नूर जहान के साथ गाया? जी। कौन सा फिल्म सांवल के लिए, मुझे याद नहीं है गाना, याद नहीं है। मैडम नूर जहाँ तो याद है ना आपको, वो कोई भूलने वाली चीज़ है, तो दिल में है, दिल में बस। अच्छा, आपने कहाँ तक तालीम कहाँ हासिल करी, शुरू की? मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया ईसा खेल से। मुश्किल क्या थी? मुश्किल यही थी कि किताबों में दिल नहीं लगता था। अच्छा, तू आए तुझे देखूँ और जहाँ से गुजर जाऊँ, इस आस पे जिंदा है अब तक तेरा अरजाई। फिर उसके बाद फैसलाबाद से एफ ए किया, वो भी बड़ी मुश्किल से। वो भी बड़ी मुश्किल से किया, और फिर प्राइवेट बीए किया मियांवाली से। मियांवाली से प्राइवेट बीए किया, वो भी बड़ी मुश्किल से किया। मुश्किल से मुराद मेरी ये है कि आपका रुझान नहीं था ना, नहीं था रुझान, नहीं था। और ये हकीकत है, जहाँ आदमी का रुझान हो उसी में उसको काम करना चाहिए, वो हिट भी उसी में होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी तबीयत के मुताबिक काम होता है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है उमर भाई की, मेरा बाप चाहता था मैं डॉक्टर बनूँ या आर्मी में कर्नल बनूँ, जिस तरह हमारे इलाके में लोग अपनी आइडियोलॉजी जो है ना अपने बच्चों पे थोप देते हैं। हाँ, तो अब मैं कहाँ डॉक्टर और कहाँ एक आर्टिस्ट। आप डॉक्टर होते कैसे डॉक्टर होते यार, अजीब से डॉक्टर होते। मजा आया था खुदा के लोग, आप बैठे होते बाजा लेकर के, बस तक तकलीफ की है। रात इस बात के ऊपर के अगर अताउल्लाह इज़ाखल भी डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, पायलट होते, और मतलब इस प्रोफेशन में ना होते तो कैसा होता, इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारी
मजबूरी हालात को समझना जाना, ब्रेक पे है अब हमको जाना। आते हैं वापस और फिर करते हैं अदाउल्ला भाई से बातचीत कि अगर ये इसमें ना होते तो किसमें होते। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम वापस आ गए और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू शुरू हुई थी जहां हमें मजबूरन इखलाकन जबरन ब्रेक लेनी पड़ी, और वो जगह थी जहाँ अताउल्ला भाई बता रहे थे अपने बारे में कि वालिद तो डॉक्टर बनाना चाहते थे इनको, लेकिन अगर आप डॉक्टर होते सपोज खुद ही बड़े बड़े डॉक्टर होते थे। सोचे आप आला किधर रखते, इधर या इधर? नहीं फिर चूंकि मुझ में जरासीम तो थे ना डॉक्टर बनने के, नहीं एक सिंगर सिंगर गायक होने के, तो मैं गा के मरीजों को ठीक करता और क्या करता? गा के रागों से या वाकई में रागों से भी इलाज हो सकता वैसे? अताउल्ला भाई बताइए, आप म्यूजिक के कोई राग ऐसा है जिस जो कैफियत आपकी उस वो करे? नहीं मैं ये इतना साहिब इल्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब कोई अच्छा गीत अच्छा अच्छी सुरीली आवाज़ कानों में पड़ती है तो वो उसका रूह पे कुछ ना कुछ असर जरूर हो। पुराने जो बादशाह थे अकबर वगैरह ये तो उस वक्त कौन थे, यही लोग इलाज करते थे इनके गवैये? तानसेन उसका इलाज करता था अकबर भाई का? आज की उम्र भाई आप देखते हैं लता जी का कोई गाना सुनते हैं, रफी का कोई गाना सुनते हैं। रफी के गाने से तो सुना है कि गुर्दे की पथरी निकल जाती है। और मादाम नूरजहां का, मैडम नूरजहां का दिल का सुकून मिलता है, लता का गाना सुनने से दिमाग को सुकून मिलता है। तो आपकी रूह में कुछ महसूस होता है? होता है कुछ हलचल, कुछ म्यूजिक में कुछ है, कुछ कैफियत है जो एक आप पे कभी कभी वजदारी कर देती है, कभी आपको सेट करके आपके आंखों से आंसू निकाल के आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल कर देती है। बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, रिलैक्स मिलता है म्यूजिक में, नो डाउट। अगर होता इलाज बड़ा मजा आता, कसम खुदा, मरीज बैठा होता और डॉक्टर गा रहा होता तेरा जाने नहीं देता मेरा भी सर मैं दर्द तेरा ठीक करूं पिया ठीक करूं। बंदा कहता जी हो गया, खुदा की कसम में बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन गाना इतना मुश्किल है, मगर मैं समझता हूँ जिस गाना, क्योंकि लफ्ज ही है गा ना, जब तक तुझे सही समझ ना हो गा ना, बेशक सुनना, जब तक तुझे सुनने की समझ ना हो तो सुनना, और जब तक गाना ना आता हो गाना। बेशक उमर, जहां तक गाना गाने का तल्लुक है एक मुश्किल काम है, उसी तरह सुनना भी एक मुश्किल काम है। कानों का सुरीला होना भी एक अलग बात है। बेशक बेशक। अच्छा, कई कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने हम गाते हैं तो कुछ असर नहीं होता, असर ही नहीं होता बिल्कुल बैठे हुए। और कुछ लोग ऐसे हैं एक ही सुर से उनकी उनका चीखे निकल जाते हैं, बेशक आंसू निकल जाते हैं। और आपके गाने तो हैं भी ऐसे दिल को पारा पारा करने वाले गाने, यानी अगर आपका गाना सुना के ना बंदे को लिटा के ऑपरेशन टेबल पे उसका बाईपास कर सकते हैं, इतने दर्दनाक गाने थे। हाँ जी, आपको इस पे एक अबूर हासिल हो गया और लोगों में एक इमेज बन गई, लेकिन उसकी बेसिक वजह मैंने अर्ज किया कि एक तो मेरा साउंड बॉक्स था, दूसरा मेरा माहौल ऐसा था जहाँ आज भी पीने का पानी नहीं है। पानी तो खैर अब माशाल्लाह पूरे मुल्क में नहीं है, लेकिन वहाँ तो शुरू से ये मसाइल हैं। मैं द्रायसिंध का पानी पी के जवान हुआ हूँ, बताएं, और कोई फिल्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था। माँ एक घड़ा होता था उसमें माँ रखती थी कि मिट्टी नीचे बैठ जाए, बैठ जाए, फिर वो पानी इस्तेमाल, पानी इस्तेमाल हो, वही पानी पी के हम जवान हुए। आपने अपनी जिंदगी का आगाज एक बड़े पसमानदा इलाके से किया, जो आप कह रहे हैं अभी तक पसमानदगी का शिकार है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो देखा जिस वक्त रेशमा गई थी वहाँ पर हिंदुस्तान गई थी, रेशमा जो हमारी सिंगर हैं, और वो इंदिरा गांधी के सामने उन्होंने गाना गाया, इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था बताओ कोई काम है मुझे, तो उन्होंने कहा मेरे गाँव की सड़क बनवा दो, मेरे गाँव में बत्ती नहीं लगवा दो, उसने फ़ौरन अपना काम बता दिया था। आप इतने मशहूर और इतने दुनिया के और पाकिस्तान के बड़े नामवर लोगों के पसंदीदा फनकार भी हैं, उनकी महफिलों में भी जाते हैं, आप अपने इलाके की बात नहीं करते, नुमाइंदगी नहीं करते कि भाई ये मुआवा ये चीज़ अभी तक नहीं है, इस दौर में नहीं है, 2009 में 10 में नहीं है, तो कब होंगी?
मैं करता हूँ जहाँ तक होता है कर सकता हूँ, जहाँ तक मेरी बात सुनी जाती है या सुनने से मुराद मेरी मानी जाती है तो वहाँ तक तो होती है। बाकी हर इलाके के अपने कुछ सियासी मसाइल हैं जी हाँ, कि मतलब मैं चाहता हूँ कि वहाँ बिजली हो तो जो वहाँ का एमपी है वो नहीं चाहता कि वहाँ बिजली हो, लोग तरक्की ना करें, स्कूल अच्छे ना हो, लोग पढ़ लिख ना जाए, मतलब वहाँ के लोग नहीं चाहते जो हाँ, बड़े वहाँ के करता धरता हाँ, जो अनदाता है वहाँ के वो नहीं चाहते कि उस इलाके में तरक्की हो। हाँ, ये बात है, ये ऐसे ही लोगों की वजह से तो तरक्की नहीं हुई है। अभी तक वहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ट्रेन नहीं जाती, ट्रेन नहीं जाती वहाँ, ट्रेन भी नहीं जाती, जहाज तो बड़ी दूर की बात है। आपने अपने इलाके से इलेक्शन कभी क्यों नहीं लड़ा? आप इतने पॉपुलर आदमी है, अगर अच्छा तौबा कर रहे इलेक्शन से तौबा कर रहे हैं कि जो नहीं किया इलेक्शन से तौबा कर रहे हैं? तुम खुद आर्टिस्ट हो, तुम झूठ बोल सकते हो? नहीं, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। आपका कहने का मतलब यह है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी नेचर से हटके करनी पड़ती हैं, वो हम कर नहीं सकते। हम नहीं कर सकते, कौम को धोखा नहीं दे सकते, कौम का पैसा नहीं खा सकते, लोगों को दुख नहीं पहुंचा सकते, उन्हें दुखी देख नहीं सकते, है ना? यही चीजें हैं। आप एक ऐसे फनकार हैं जिनके बारे में भी कह रहा था कि आपने कल्चर को जिंदा रखा हुआ, जो आपकी सकाफत है, जो पाकिस्तान का म्यूजिक है ना, उसको आपने जिंदा रखा हुआ है। उमर भाई, अक्सर जब बात होती है तो मैं तुम्हारा जिक्र ज़रूर करता हूँ कि ये हम दोनों की खुशकिस्मती है कि हम किसी पड़ोसी मुल्क के स्टेज पे जाके खुद को प्रमोट नहीं किया। सही बात, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा है, बहुत है, अच्छा है, बुरा है, हम अपने अपने मुल्क के कल्चर, अपने मुल्क के, अपनी जमीन से मिला, जो अपनी जमीन से मिला और अपनी जमीन पे ही रह के रहे, उसे परवान चढ़ा है, ये हमारी हमारी पहचान है, ये हमारी दर्द। तो आपने जो कल्चर की हिफाजत जो आपने किया, हालांकि आपको आप हर तरह के गाने पर ट्राई कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, चेंज ला सकते थे, किसी तरह से ट्रैक चेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैं एक तो मुझे मेरे सुनने वाले इसी रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल, वो आपकी समझ आ गई ना बात आप। और दूसरी ये बात है कि मैं इससे निकल भी नहीं सकता। हाँ, सही बात है। तो आपका एक जब महफिलों में जाते हैं, जब गाते हैं, खूबसूरत चेहरे होते हैं आस पास और बहुत से बड़े हसीन चेहरे होते हैं, आपको हुस्न में क्या, आंखें एक फनकार की ऐसे से पसंद है, चेहरे में क्या? बहसियत आर्टिस्ट तो जाहिर है अल्लाह की जो खूबसूरत चीज़ है वो पसंद आती है, अच्छी लगती है, भली लगती है, आंखें अच्छी लगती है, दिल में आंख बहुत अहम हिस्सा है जिस्म का, आंखें बड़ी पागल, आंखें हर बात बड़ी पागल है और आंखों से ही आप एक दूसरे की बात समझ भी जाते हैं, कह भी सकते हैं। आप मेरी आंखों से समझे मैं क्या कहने वाला हूँ। आई लव यू। मैं अपनी आंखों से कहने वाला था आई लव यू, इन्होंने समझ लिया मैं आई लव यू कहने वाला था, लेकिन उससे पहले मुझे कहना था कि आई लव यू माई चैनल। क्यों? क्योंकि इनको भी और हम सबको भी चैनल से ही उम्मीदें वाबस्ता है और चैनल की उम्मीदें वाबस्ता है ब्रेक से, क्योंकि उसमें चलने इश्तेहारात देते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और फिर रताउल्लाह इज़दखेलवी साहब से वो बातें करते हैं जो अभी हमने तैयार कर रखी हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, विल राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वापस आ गए हम, बैठे हुए हमारे साथ अताउल्लाह इज़दखेलवी साहब। अभी हमने उनसे म्यूजिक की वो बातें नहीं करी जो हमने करनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब म्यूजिक की बात हो, गाने की बात हो, गाना हो, शायरी की बात हो और उनकी जिंदगी की पर्सनल लाइफ में जो एक फनकार क्या क्या बातें क्या क्या सोचता है वो हो, तो क्यों ना उनके साथ कोई एक फीमेल भी हो, क्योंकि जब कोई फीमेल फनकारा बैठी होती है तो ज़रा माहौल खुशगवार हो जाता है। इसीलिए तो हर जगह पर खवातीन को अब आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में आ रही हैं, बैंकों में औरतें बैठी हैं, आदमी खुशी खुशी पैसे जमा करने जाते हैं, ज़्यादा जमा कराते जाके ताकि उस लड़की को पता लग जाए इसके पास कितना पैसा है। ये 2 लाख रख लें, बस जमा कर लें जल्दी से, शुक्रिया मेरे बाप, आधे घंटे बाद ये 5 लाख प्लीज़ मेरे, आप ही के बैंक में, आप इसी में होते हैं ना, इसी में, अब मैं अपनी बहन के पैसे भी यहाँ आके जमा करा, अपने बहनों से भी कहूँ यहाँ जमा करा, है ना? आपने देखा, और आदमी जहाज़ों में बैठते हैं मगर वहाँ बैठ के मायूस हो जाते हैं, जहाज़ों में उनको फिर वो चेहरे नज़र नहीं आते हैं जो उनको चाहिए होते हैं, कि भाई आदमी के एक हुस्न जो है वो इंसान की फितरत में है, उसको वो परिंदे में भी चाहिए होता है, वो पौधे में, फूल में भी चाहिए होता है, और अगर आवाज़ के साथ साथ शक्ल भी अच्छी हो तो वो फनकारा ज़रा ज़्यादा आगे चली जाती है। मैडम नूरजहाँ इसकी मिसाल हैं, नाहिद अख्तर इसकी मिसाल हैं,
बहुत सारे वो अधिका क्यानी इसकी मिसाल हैं, इसके बहुत सारे लोग इसकी मिसाल हैं जो खूबसूरती में भी हैं। आप मैडोना को देख लें, आप अगर इंडिया में जाएंगे तो आपको ये मिसाल बहुत कम मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि उस फनकारा को भी इस गुफ्तगू में हिस्सा बनाया जाए। ये एक ऐसी फनकारा है जिनके हाथ में भी सकाफत का परचम है, इन्होंने भी इलाकाई म्यूज़िक को, पाकिस्तान की सकाफत को ही प्रचार किया और लेकर के वो आगे गईं, पूरी दुनिया में गईं। वो क्या क्या करती रहीं, कितना गाया, कब से शुरू किया, कहाँ कहाँ पे गाया उन्होंने, कितना नाम कमाया, कितने अवार्ड लिए, हम चाहते हैं वो खुद बताएं, आप खुद सुनें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा शाजिया खुश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद आपको शरीफ शो में। बहुत शुक्रिया शरीफ शो में। किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था आपने, इतनी शोहरत पे जो आप इतनी तेजी से गई हैं? तकरीबन मैंने 21-22 साल की उम्र में गाना शुरू किया था। 21-22 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। तो ये ख्याल आपको गाने का कैसे आया, क्या हुआ था, क्या किसी ने सुन लिया, क्या किसी ने देख लिया चुपचाप गाते में, गुनगुनाती होंगी को गाने, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया, उस वक्त और इसी तरह के गाने गाती थी ना? नहीं, उस वक्त की पैदावार नहीं हूँ मैं जब ये। नहीं, तो आप तो अभी मैं गाने तो औरतें छुप छुपा के ऐसे ही गाती है ना? हाँ जी, गाने का बड़ा शौक था और वो मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे और साथ वाले जो पड़ोसी थे उनकी खवातीन जो है वो कहती थी कि शाजिया जो है वो गाती रहती है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और फिर मैंने स्कूल कॉलेज में जो है मैंने जो शुरुआत की वो नातों से की और कौमी तराने पढ़ती थी। उसके बाद जो है आहिस्ता शौक बढ़ा, आहिस्ता फिर पाकिस्तान टेलीविज़न जो होता था उस वक्त एक ही चैनल था, वहाँ पे मैडम सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने जो है वहाँ पे मुझे बुलाया, मेरे हस्बैंड को बुलाया था, वो अदीब हैं, लिखते हैं सिंधी में, तो उनको बुलाया, मैं साथ में गई तो कहने लगे कि आप ड्रामों में काम करेंगी, तो मैंने कहा नहीं जी मुझे गाने का शौक है। आपने गाना गाया? हाँ जी। वो टीचर ने क्या कहा आपको, सुल्ताना सिद्दीकी ने क्या कहा कि? उन्होंने मुझे बुलाया, वाकई 15 दिनों के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद उस्ताद फरोज दीन होते थे कराची में स्टूडियो में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने फिर मुझे जो है वहाँ पे तैयार किया, गवाया और फिर मैंने गाया। अच्छा, मेरा पहला एल्बम जो था, मैं एक बात बताती चलूँ, आपको याद है या नहीं है कि आपने मेरा गाना जो था सबसे पहला मेरा एल्बम था दाने पे दाना। दाने पे दाना जो आपने गर्मी दानों पे लिखा था, दाने पे दाना मैंने लिखा था, उस दाने दाने पे तेरा मेरा नाम लिखा है, इस दाने दाने पे तेरा मेरा नाम इस लिखा गाने है? का यही मतलब है, दाने पे दाना, दाने पे दाना। तो उस वो उसमें मैंने मेरा रांचना भी गाया था छल छबीला। तो ये गाना जो था आपके फिल्म में पहली दफा खानदान फिल्म बनाई थी आपने और वो पहली दफा आपने उसको मेरा फिल्म में दिया था वो गाना। हाँ, वो नरगिस के ऊपर और मेरे ऊपर जी, बिल्कुल। आपका डांस बड़ा गजब का था, कभी वो सीढ़ियों वाला वो मोर के टाइप का डांस। अच्छा अच्छा, जब आ गई इस लाइन में आप, मतलब इस प्रोफेशन में जब आ गई तो हस्बैंड आपके जो थे वो तो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, प्रोफेसर हैं, बुक राइटर हैं, तो उन्होंने कोई माइंड नहीं किया इस बात को कि भाई ये एक गा रही हैं? नहीं जी, मुझे एक प्रोफेसर से की बेटी थी, दूसरे प्रोफेसर से शादी हो गई, नसीहतबाजी जो है वो, मतलब आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, प्रोफेसर के घर से निकली प्रोफेसर के घर में आ गई। लेकिन तब्दीली आई, दोनों में बहुत फर्क था। वो ये कि मेरे जो बाबा थे वो जो सूफियाना म्यूजिक पसंद करते थे और मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे इनक्रेज किया बाकायदा कि तुम आओ आगे और गाओ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप पीछे गाती थी पहले? हाँ, पीछे गाती थी। आगे आगे हाँ, पर्दे के पीछे गाती थी। और सबसे बड़ी बात उमर साहब उन्होंने ये किया कि मैं 9th में पढ़ती थी, मेरी शादी हो गई थी 9th में जी। कितने साल की थी आप? हाँ, सारी दुनिया को पता है उसमें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 9th में किसी बच्ची की शादी हो जाए? हाँ जी। अभी उसने मैट्रिक नहीं किया? मैट्रिक में पहुंच गई थी लेकिन 9th कर, मतलब क्रॉस कर लेते, 9th पास की थी आपने,
टेंथ क्लास में थी तो आपकी शादी हो गई जी, और मैंने उन्होंने मुझे बाकायदा पढ़ाया भी और मैंने मास्टर्स किया उर्दू लिटरेचर में सिंध यूनिवर्सिटी से। मतलब ये आपके हस्बैंड की बहुत बड़ी अच्छाई है कि उन्होंने आपकी, क्योंकि आप मैट्रिक में थे जब शादी हुई तो उन्होंने आपको एजुकेशन का वो तरफ रखा कि ताकि आप आपकी तालीम का हर्ज ना हो, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और साथ में म्यूजिक में इनकरेज किया और फिर उन्होंने आपकी टोटल मार्केटिंग ही उन्होंने की ना, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ जी, एक खातून के लिए बहुत जरूरी है हमारे माशरे में एक मर्द का साथ होना। साथ होना बिल्कुल बहुत, एक मर्द और अगर हस्बैंड साथ हो आदमी के जी तो कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ज्यादा होता है, बहुत हर बात में होता है। बिल्कुल। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे जुड़वा बेटे हैं। आप तो अलग अलग करा लिए ना। मतलब जुड़वा है माशाल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो तो अल्लाह ताला उनको सेहत और नसीबे खैरियत से ठीक है सब। पढ़ रहे हैं वो भी? जी, पढ़ रहे हैं बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। तो बच्चे देखते हैं आपको गाते हुए किसी बच्चे में? आपने देखा गुनगुनाते हुए जैसे आपको भी बचपन में गुनगुनाते थे? नहीं, बच्चों में जाहिर है कि वो मेरे बच्चे जो हैं वो वायलिन बहुत अच्छा बजाते हैं और सीखा भी है उन्होंने। अच्छा, वायलिन प्ले करते हैं? जी, वेरी नाइस। और बहुत बड़ा साज है वो, और बहुत सुरीला और बड़ा ही दर्द भरा और बड़ा ही। और एक बेटा मेरा तबला भी बजा लेता है, कीबोर्ड बजा लेता है, लेकिन म्यूजिक की तरफ उनको पहले है कि हम लोग पढ़ लें। फिल्मों से, ड्रामों से, फिल्मों से कोई ऑफर हुई आपको? हाँ जी, हुई थी, लेकिन फिल्मों में मुझे अदाकारी का होना ही है शौक ज्यादा। अदाकारी का शौक क्यों नहीं आपको? अदाकारी ये नेचुरल सा काम है, आप गा रहे हैं और झूम रहे हैं और झुमा रहे हैं तो ये ज्यादा मजे का काम है। आप समझती हैं बस लोग नाचते रहें, मैं गाती रहूं, अदाकारी ना करूं? नहीं, वो भी अच्छा काम है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता जो काम मुझसे होगा। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि मुझसे हो नहीं रहा वो, ये। हाँ, अगर म्यूजिक पे जो काम करती है वो भी अदाकारी अपनी, वो भी अदाकारी करती है। बिल्कुल, जाहिर है जब वो गाती है जिस अंदाज से गाती है, जिस इन्वॉल्व होके गाती है, पब्लिक के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, सुनने वाले जिस तरह इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि इसकी अदाकारी है। ये आपकी अदाकारी है, नो डाउट आपकी अदाकारी। गाना अपनी जगह पे ये और खूबसूरत परफॉर्मेंस, गाना तो मुझे भी। आप रहने वाले किस इलाके की हैं? मैं रहने वाली यहाँ, मेरे बहुत सारा मिक्स है, मैं क्या बताऊँ। मतलब कहाँ, एक जगह तो पैदा हुई होंगी ना आप, या ये भी आप बोलेंगे बहुत जगहें हैं, इसमें भी यही जवाब देंगे कि बहुत जगहें हैं? मैं जामशोरों में पैदा हुई हूँ। जामशोरों, माशाल्लाह, मैं हजारों दफा गया हूँ पल्ला मछली खाने के लिए। पल्ला मछली, और आपने शोज भी किए हैं, बहुत शोज किए यूनिवर्सिटी के, बहुत शो किए मैंने, बहुत किए, बहुत किए, बहुत किए। अभी भी मैं एक महीने पहले गया था जामशोरों पुल से, मैंने पल्ला मछली खरीद के ले आया। पल्ला मिला आपको? हाँ हाँ, दरिया में पानी था, दरिया दर में पानी था, मैं साइकिल पे बैठ के गया। दरिया तो खुश्क हो गए, अब दरियाओं में पानी कहाँ है, उसी की वजह से तो बिजली नहीं है। कभी ऐसा लगा आपको कि आप अगर कहीं और पैदा हुई होती तो बहुत और इससे भी आगे फनकारा बन सकती थी? होता है, लेकिन ये पिछले साल की बात है कि गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएसए का मुझे सर्टिफिकेट दिया गया अमेरिकन एम्बेसी में। अच्छा, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएसए। गुडविल जी, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएसए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस मुल्क में रह के मैंने नहीं लिया, मैंने अपने मुल्क में रह के, पाकिस्तान में रह के, और उन्होंने माना कि गुडविल एम्बेसडर जो है अमन के, खुशी के, एक सुफिया कराम के कलाम को लेके बंदा चल रहा है। तो लाला जैसे लोग या जो हम जो भी गा रहे हैं इस धरती के कलाम, इस धरती के कलाम को गा रहे हैं, आपको भी, आपका अल्लाह पे का बहुत करम है आप पे, और आपके पूरी दुनिया का कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे आप ना गए हो, आपके लिए बहुत सारे मौके आए हैं, आपने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, आपने ऐसी ऐसी जगहों पे जाके आपने कहा कि नहीं मैंने इधर ही काम करना है, आपने कितने मौके ठुकरा दिए, हमने जानते हैं सब लोग, और आप प्यार करते हैं सबके सामने। मेरे बारे में इतनी बातें आप कैसे जानती हैं भाई? आपके बारे में हम सब जानते हैं, आप लोग जो देख रहे हैं वो जानते हैं। छुप छुप के पढ़ते हैं मेरे बारे में? छुप के क्यों पढ़े, हम खुल खुल के पढ़ते हैं। खुले आम पढ़ते हैं? खुले आम पढ़ते हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आपके आपके जो खाविंद हैं वो उनका और आपका यानी के मिजाज तो बहुत ही मिलता होगा? हाँ मिलता है, लेकिन एक बात में नहीं मिलता। वो क्या है? ये जो जोक्स के जो किताब होते हैं ना, ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं इब्राहिम साहब चुन चुन के लेते हैं
और तो इब्राहिम नाम है आपके खामिद जी, प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो हैं वो चुन चुन के जोक्स के किताब लेते हैं और मुझे जबरदस्ती सुनाते हैं ये औरतों के हवाले से औरतों पे ही जोक सुनाते हैं। औरतों पे जोक करने वाली बात है, औरतों पे शायरी करो, उन पे खर्चा करो। उन पे जोक कर रहे हैं इब्राहिम साहब की। यार इब्राहिम साहब तो बिल्कुल वो बड़े किताब तो सस्ती सी होती है, उसे खरीद के लिए इनका खर्चा क्या। और आपके लिए भी लाए हैं लेकिन मैंने देने नहीं दी। अच्छा मेरे लिए भी लाए थे? हाँ। किताब नाम नहीं बताऊंगी। क्या नाम था? किसी नहीं नहीं तो बात हिदायतनामा खान। क्या नाम था मुझे बताया? शादी हो उसके जरिए उसूल। हैं क्या, कौन सी किताब है? नहीं वो मैं नहीं बता सकती आपको। मरने के बाद क्या होगा? बस ऐसे ही समझ ले। ये वाली किताब ऐसे ही समझ ले। हैं इस तरह की वो किताब है मेरे लिए लेकर आए। बहुत गजब की एक किताब मैंने भी उनके लिए ली हुई है। कौन सी? मैं बताऊंगा उनको। वो किताब मैं उन्हें पेश करूंगा। अच्छा। अब भी वक्त संभल जाओ। अच्छा किताब का नाम है। अब क्या संभलेंगे? अब मैं ये तो आपका मामला आपस में। मैंने तो आपने वो मुझे एक किताब देंगे, एक किताब मैं उनको दूंगा। अब भी वक्त संभल जाओ इब्राहिम, किसी दिन तनाही में मेरे पास आओ। मैं भी शायरी में उनको मैसेज दे दिया है। ठीक है। अच्छा जब आपकी शादी हो गई, शादी एक ऐसी चीज़ है जब आदमी की हो जाती है तो लाला जी, जब शादी हो जाती है आदमी की तो ये क्या बात है कि वो जिंदगी में उसकी तब्दीली ज़रूर आती है। शादी होती है तब्दीली ज़रूर आती है। ज़ाहिर है उम्र, फिर एक जो जिम्मेदारियों का एहसास होता है उसी दिन हो जाता है। उसी दिन ही घूंघट उठाते के साथ ही आदमी कहता अल्लाह आगे के खर्चे मेरे मालिक, खर्चे आँखों में आ जाते हैं। आटे के डब्बे, घी के डब्बे, चीनी के डब्बे, दूध के डब्बे। जब अब्बा अब्बा कहते थे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जब अब्बा कहलाया तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो फेस करने पड़ते हैं। फिर बीवी आ गई, बच्चे हो गए। अच्छा तो फिर एक सिस्टम में जाहिर है बंदे को अकोमोडेट होना पड़ता है। घूंघट उठाना कैसा लगता? पहला घूंघट उठाना, देखो एक बात है, आपस की बात है। मैं तो किसी की शादी में जाऊँ इतना खुश होता हूँ, किसी की शादी में जाके भी खुश होता हूँ मैं। आपने किसी की भी शादी में तीन दफा तो आपने भी घूंघट उठाया है। मैंने तो कुछ 100 दफा उठाया। मेरा तो हिसाब ही कोई नहीं है फिल्मों में। वही एक लम्हा होता है। वही एक लम्हा, वही अब ये देखो यहाँ आ जाता, वही एक लम्हा होता है। हाय हाय क्या अच्छी बात की है, एक लम्हा होता है बस, फिर उसके बाद चिरागों में रोशन। अच्छा वो एक आदमी शौक से घूंघट उठाता है। हाँ। कि यार मेरी बीवी पता नहीं, और वो पुराने जमाने में तो ऐसा होता था देखा भी नहीं होता था कि शादी किससे। हाँ, हो रही है आज भी हो रहा है इलाकों में। अब पुराने इलाकों में अभी भी होता होगा कि देखा ही नहीं है कौन। हाँ, है माँ बाप ने देखा तो सारा घर जमा हो गया, क्यों चीख रहे हो? अम्मा ही क्या ले आई? बोले बेटे यही थी सबसे अच्छी बच्ची खानदान में, यही गुजारा कर, अब इसी से गुजारा करना बेटा। तो ये एक आइडियोलॉजी जो होती है ज़िंदगी में लड़कियों की, जो यंग लड़कियां होती हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई आइडियल कोई हीरो होता है, तो आपको वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया, आपने शादी कर ली, कोई आपका आइडियल नहीं था कोई कोई जहन में आपके? नहीं शाजिया, शाजिया लड़की से पूछ रहा हूँ जो यंग स्टूडेंट, अभी उसने मैट्रिक नहीं किया, उसकी शादी कर रहे हैं उसके घर वाले बगैर, आपने देखा था उनको अपने खाविन को? मेरे हस्बैंड स्टूडेंट थे मेरे वालिद साहब के। आते थे घर में? नहीं घर में नहीं आते थे, लेकिन घर उनको घर में नहीं आने देते। अब्बा समझ गए होंगे। अब्बा उनको समझ गए होंगे। नहीं 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 घर में नहीं आने। नहीं नहीं अल्लाह का वास्ता है कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि बहुत छोटी हूँ, एज है 9th, कुछ भी नहीं है। दूसरी मुझे पढ़ने का बहुत, लिखने का बहुत शौक था और अदब से लगाव था मुझे बचपन ही से। तो बचपन से बहुत। किस अदीब को बहुत पढ़ा है आपने? मैंने सबको पढ़ा है, मैंने जो है मिर्ज़ा गालिब को पढ़ा है, मैंने दर्द को पढ़ा है, मीर तक़ी मीर को पढ़ा है, मैंने अपने पाकिस्तान में अहमद नदीम कासमी साहब को पढ़ा है, फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ा है, मैंने मज़ामती शायरी में हबीब जालिब को बहुत पढ़ा है। हबीब जालिब, आपने लफ्ज़ कितना अच्छा इस्तेमाल किया, मज़ामती शायरी। जी मज़ामती, सही लफ्ज़ है ये, बहुत अरसे बाद मैंने किसी से सुना ही। जी बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम अदब के अंदर बहुत ज़्यादा चले जाएं और बहुत ज़्यादा अदबी हो जाए, छोटी सी बेअदबी करने लगा हूँ, अदबी माहौल में एक ब्रेक लेने लगा हूँ। है तो बेअदबी गुस्ताखी लेकिन मजबूरी की हालत है, आप हमारी हालत से आगा रही है, हमारे तो प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे कान में आवाज़ आती है पीछे से ब्रेक ब्रेक, इस तरह से मुझे आवाज़ें आती हैं जैसे पता नहीं मैं कोई 100 की स्पीड पर वैगन चला रहा हूँ। ब्रेक ब्रेक ब्रेक,
ब्रेक ले लेते भाई, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खातिर हज़रात हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं और दोनों का ताल्लुक जो है वो मौसीकी से है, जनाब मोहतरम लाला अताउल्लाह इसे खेलवी साहब और मोहतरमा शाजिया खुश्क साहिबा जो कि शायरा भी हैं। हम यहाँ गुफ्तगू छोड़ के गए थे, शायरा भी हैं। क्या लिखा आपने? मैं बता रही थी कि मैंने हबीब जालिब साहब को भी बहुत पढ़ा और उनसे इंस्पिरेशन मुझे ली। और क्या शेर था वो तो सुना दो। जुल्म जब हद से बढ़ता है हिम्मत आ ही जाती है, जुल्म जब हद से बढ़ता है हिम्मत आ ही जाती है, झपटते बाज से चिड़िया को लड़ते हमने देखा है। झपटते बाज से चिड़िया को हमने लड़ते, वाह 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 वाह। झपटते बाज से चिड़िया को लड़ते हमने देखा है। क्या खूबसूरत बात है। फाख्ता तो पागल थी मौसमों की साजिश में, फिर फरेब खा बैठी, तोप के दहाने में घोंसला बना बैठी। आप भी हो जाए, एक शेर हो जाए सर, हो जाए, मुशायरा बना दो उसको। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। लो तो आप किसी पुलिस से रब्ता करें। आप फौरी तौर पर रहमान मलिक से मिले। मैं बता रहा हूँ हमारे जो वजीर दाखिला तो सुन लो, रहमान मलिक साहब से मिले आप, आपको सारी खबर है। यार तुमने दोनों में से सुनाए, मैंने बर्दाश्त किया। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। चौबीस में हम आए, देखिए फिल्में आप देखती होंगी? जी बिल्कुल, कभी टाइम मिलता है तो देखते, कभी टाइम मिलता है तो देखती हैं। अब कम बन रही हैं, आप वाली फिल्में नहीं देखती शाहरुख खान वगैरह? ये तो सबके सपनों के अंदर आते हैं। कभी कभी देख लेती हूँ, अच्छी लगती। सपने में नहीं, खुली आंखों से। खुली आंखों से? खुले आम? खुली आंखों से। उधर क्यों देख रही हो, क्या मसला है? उधर कुछ भी नहीं है। मैं उधर रह रहा हूँ। अब से नहीं खा चढ़ी। नहीं नहीं नहीं, उधर देखती हैं आप, उसके बाद आपका जवाब चेंज हो जाता है, फिर आप उधर देखती हैं। नहीं नहीं, बात ये है कि मैं ये कर... अच्छा मैं आपको देख रही हूँ। आप मुझे देख के बात करें ना। आपको देख रही हूँ। मुझे ये बताइए कि शाहरुख की फिल्में पसंद है? हाँ जी पसंद है। कौन सी फिल्म फिर वही देखा आपने? उन्होंने कहा हाँ कह दो, हाँ पसंद है। नहीं यहाँ पे कोई नहीं, अल्लाह के बंदे कोई भी नहीं है। मैं कैमरा वहाँ लगवा दूंगा, बता रहा हूँ। एक कैमरा इब्राहिम साहब पे फिट करो भाई, और सारी इंसर्शन ले लो उनकी। अच्छा शाहरुख पसंद है? हाँ जी अच्छा काम करते हैं। ये मजबूरी में ना कहें, बेदिली से ना कहें। नहीं अच्छे दिल से कहें, खुदा के लिए सच बोले, इंडिया के लिए तो सच बोल दो। अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों बोला अभी मैंने, बोला इतने सारे आर्टिस्ट के नाम लिए जो मैंने। मुझे एक बात बताइए, इतनी परफॉर्मेंसेस करती हैं, इतनी अच्छा कहाँ लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि अब मेरे या कदरदान हो, या म्यूजिक को समझने वाले हो, या ऑडियंस किस किस्म की अच्छी लगती है आपको? ये सारी ऑडियंस देख रही है आपको इस वक्त लाइव ऑडियंस, जिस तरह ये रिस्पांस दे रहे हैं, इसी तरह की ऑडियंस अच्छी लगती है जो सामने से। अच्छा नए गाने वालों को क्या कहेंगे आप? ये जो यूं, ये और ये और ये और ये जो गा रहे हैं, इनको आप क्या कहेंगे? ये क्या है? आप इतने सलीके से मेडिएशन बैठे इत्मीनान से गाना गाए जा रहे हैं, तंबू का किराया बढ़े जा रहा है, कालीनों के किराए पड़ रहे हैं, वो गा रहे हैं, लोगों की शेवें बढ़ गई हैं, वो गा रहे हैं। उन्होंने इतना जम के गाने को गाया, आपने गाया और लोगों ने गाया, बैठ के गाया सर। अब ये जो आ गया है, ये वैश्यतें और हल्की हल्की शेप पड़ी हुई है। उमर भाई तुम्हें भी याद होगा, मेहदी हसन खान साहब अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आमीन। नुसरत फतेह अली खान साहब अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, और गुलाम अली साहब, ये जब बैठ के गाते थे तो सुबह हो जाती थी, बस एक कैफियत तारी रहती थी। मैं कह रहा हूँ अब तो दूसरा गाना बर्दाश्त हमसे तो नहीं हो सकता, नई नस्ल से होता हो बर्दाश्त, हमसे तो नहीं होता। वही ना कि गाना गा रहे हैं, उसमें जो शोर है, जो म्यूजिक लाउड म्यूजिक है, और शायरी नहीं है। अब बताइए, बताइए कि मैं तो गाना अब जो गा रहे हैं लड़के, वो खुद कम गा रहे हैं, पब्लिक से बहुत मेहनत कराते हैं,
हाथ पर उठा के दोनों हाथ तालियां, एट कम ऑन, इधर वाले आप भी मैं भी तुम भी जोर से। बंदा पूछे तू यहाँ पे बिरयानी पकाने आए गा, तुम गाना गाने आए, तुम तो गाओ। नहीं उसके अलावा उमर भाई आप तो अब अक्सर देखते हैं कि वो पीछे तो सीडी प्लेयर चल रहा होता है, उसपे वो मुंह हिला रहे, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, लिप सिंक कर रहे होते हैं, लाइव नहीं कर रहे। चार घंटे पांच घंटे गाना कोई आसान काम नहीं जी, ये तो कोई बहुत ही जिसमें कुदरती टैलेंट हो, अल्लाह की मेहरबानी हो या रियाजत हो, उसकी मेहनत हो, वही आदमी लाइव गा सकता है। आज तक मैंने इनको हमेशा लाइव गाते हुए सुना है और आपको हमेशा मैंने लाइव गाते हुए सुना है। आप दोनों आज के हमारे प्रोग्राम के कैसे फनकार हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये मीडिया की जो है ना पैदावार नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पैदावार नहीं है। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मैक्सिमम आवाम में रख के बैठ के अपना वजन करवाया है। अपना वजन करवाना, अपने आप को आवाम के तराजू में तोलना बहुत मुश्किल काम है और आप उस मयार पे भी पूरे उतरे। हमारी दोनों की खुशकिस्मती कि हम चोर दरवाजे से नहीं आए। नहीं आए, बिल्कुल सही। आप किसी धुन चुरा के नहीं आए, कुछ करके नहीं आए, आप अपने फन की धुन में लगन मगन लोग। आपने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की, सकाफती वॉर जो हमारी। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने हमें अपने शो में बुलाया। अल्लाह आपको सलामत रखे और नाज़रीन को सलामत रखे। कल्चर विंग जो हमारी कल्चर विंग, कल्चर वॉर हो रही है हमारी, जो हमारी कल्चर वॉर है उसके आप बड़े बेबाक निडर और जफाकश और मुहब्ब वतन सिपाही हैं। मैं आपका दोनों का बेनता मशकूर और ममनून हूँ।